वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 × 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन के जरिए हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, क्योंकि ये देखें एक्स एंड वाई वाले सारे वेरिएबल मिक्स हुए पड़े हैं, ये देखें एक ही साइड पे हैं, तो सेपरेट करके हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले हम ये जो 3 बाहर है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। 3 × 1 = 3, 3x dy/dx हो जाएगा ये। और ये देखें ये वाई है और ये वाला 3 इस वाई के साथ चला जाएगा, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा वाई माइनस 3, और ये वाला माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 3x dy/dx, इधर आके प्लस का हो गया ये देखें x dy/dx। अब इस तरह तो हो गया, ये 3x है और ये x है, मतलब इसमें हम प्लस कर सकते हैं ना, ये 4x हो जाएगा। तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो 4x dy/dx आ गया। अब क्योंकि इन दोनों को सेपरेट करना है, हमने y वाले एक साइड पे वेरिएबल और x वाले दूसरी साइड पे, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो इसके नीचे तो 1 है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला dx इधर चला जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 3 dx। अब हमने ये देखें dx है इधर, ये 4x इधर है, तो इसका मतलब है कि x वाले एक साइड पे होने चाहिए, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 1/4x, मतलब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/4x dx, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/y − 3 dy। अब क्योंकि हमने y वाले लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखने होते हैं, तो इसलिए ये वाला सारा उठा के मैंने इधर लिख दिया है और ये वाला इधर, मतलब सिर्फ जगह चेंज कर दिया है 1/y − 3 dy, ताकि जिस तरह हम फंक्शन लिखते थे y = x² + x, मतलब ये वाला वाई, ये f(x), ये फंक्शन की जगह पे होता है, इसलिए हमने वाई लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना होता है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है, तो इसमें एक कॉन्स्टेंट है 1/4, मतलब 1/4 हम शुरू में लगाएंगे, इंटीग्रल साइन से पहले लगाएंगे और 1/x बाद में। तो इंटीग्रेशन 1/y − 3 dy, 1/y · 1/x। अब ये देखें ये नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा है, ये y का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, y का डेरिवेटिव होता है 1। इसका मतलब है कि ये पूरा फंक्शन नीचे है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग फंक्शन के इक्वल होता है नेचुरल लॉग y − 3। अब ये वाला कॉन्स्टेंट है 1/4, ये नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग x। जब सबके साथ नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, तो हम फिर कॉन्स्टेंट के साथ भी नेचुरल लॉग ही लगाते हैं। अब ये देखें ये जो शुरू में है इसका कॉन्स्टेंट है और वो इसकी पावर में आ जाएगा, जिस तरह ये लॉगरिथमिक रूल है नेचुरल लॉग के दरम्यान में अगर माइनस आए तो वो डिवाइड हो जाते हैं, अगर दरम्यान में प्लस आए तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसी तरह जब उसके शुरू में कोई कॉन्स्टेंट या कुछ भी हो वो उसकी पावर में आ जाता है, तो नेचुरल लॉग x की पावर 1/4 + नेचुरल लॉग c। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये लॉगरिथमिक रूल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर दरम्यान में माइनस होता तो ये डिवाइड हो जाते, क्योंकि अब प्लस है तो c और x की पावर 1/4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नेचुरल लॉग c x की पावर 1/4, नेचुरल लॉग y − 3। अब ये दोनों लॉगरिथमिक फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे नेचुरल लॉग के साथ, नेचुरल लॉग y ये माइनस का 3 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3 + c x की पावर 1/4, y = 3 + c x की पावर 1/4। क्वेश्चन सोल्व।